अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तश्कील हुसैन खोखर इज़ हेयर, योर फिजिक्स टीचर। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 7, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर इन मेजरमेंट, दी क्वांटिटीज आर ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व इन वाइल राउंडिंग ऑफ अ नंबर। इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट्स इज लेस देन 5, देन द लास्ट रिटेन्ड डिजिट्स इज डिजिट इज कैप्ट एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ अ रिक्वायर्ड टू राउंडेड ऑफ 12.343431 अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस by dropping 7 at the third place after decimal point, then the correct answer will be 12.35. Dear students, 12.34. Dear students, rounding off kya hai? Rounding off means कोई भी reading मिली हो जो decimal point के बाद काफ़ी सारे डिजिट्स गिवन हो, जो जैसे कैलकुलेट करें कोई भी ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू, उसकी जो उसका जो आंसर आए वो डेसिमल पॉइंट के साथ ज़्यादा लेंदी हो, तो हम क्या करते हैं, उन लास्ट डिजिट्स जो हैं उनको राउंडेड ऑफ करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जो लास्ट डिजिट है अगर लेस देन 5 होगा तो उसको एलिमिनेट कर लेंगे, अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो हम जो लास्ट से जो सेकंड आ रहा है उस डिजिट को पे हम 1 ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमने 12.343 है, अब इसके हम थर्ड डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट पे हमने इसको राउंडेड ऑफ किया और 12.343 है और उसको हम 3 को या 1 less than 5, 1 less than 5, 3 less than 5, 4 less than 5 ये सारे एलिमिनेट करके 3 also less than 5 एलिमिनेट करके हमने रीडिंग जो लिखी वो क्या लिखी, 12.34। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन 1 इज एडेड टू लास्ट रिटेन्ड डिजिट, e.g. इफ 12.347658 इज रिक्वायर्ड टू बी राउंडेड ऑफ अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस by dropping 7 at the third place after decimal point, then correct answer will be 12.35. अब इसमें क्या है, अगर 12.347658 वो हमारे पास जो है given reading है और उसको हमने rounded off करना है up to second decimal point, तो उसको कैसे करेंगे, जो 7 है उस 7 को हम 7 पे रिप्लेसिंग करके उसके 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है और उसका जो असर है वो 4 पे 4-1 रेज हो जाएगा, मतलब 12.35 हो जाएगा। अगर 3-4 था तो वो 5 हो जाएगा, 7 से हमने एक उधर ऐड कर लिया 5 हो गया और बाकी को हम एलिमिनेट कर लेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। If the dropping digit is 5, then following situation may occur. A, there exists no non-zero digits after the dropping 5, as in 12.345 or 32.3350. Non-zero digits जो है वो ड्रॉप कैसे होते हैं, मींस 12.345 है तो उसको या 32.3350 है, इन सच केसेस 5 डिजिट 5 विल बी ड्रॉप्ड, जो डिजिट 5 है वो ड्रॉप हो जाएगा, लास्ट डिजिट विल बी ऑब्जर्व, जो उसके 5 के बाद जो अगर 0-0 है तो उसको 5 को एलिमिनेट कर दें, अगर 5 के बाद कुछ नंबर्स हैं तो उसका जो 5 से रेज अप हो जाएगा, डिजिट 5 से 6 हो सकता है। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़
even then it is kept as, but if it is odd then one is added. Agar odd hota to one add karte in it. Thus 12.345 will become 12.345 dropping 5 and 32.3300 will become 32.34 by dropping 5. Number B, there exists a non-zero digit at any place after the dropping 5 as in 26.34501 or 44.33567. In such cases, the digit 5 will be dropped, and whether the last digit is even or odd in both situation, one will be added to the last retained digit. Therefore, 26.34501 will become 26.35 by dropping 5, and 44.33567 will become 44.34 by dropping 5. Dear students, agar non-zero digits wo place ho after 5 dropping as, to usme kya hoga, 26.3450 hai aur 44.33567 hai. Is case mein digit 5 वो ड्रॉप होगा एंड लास्ट डिजिट इवन आर ऑड हो, दोनों सिचुएशन में वो वन होगा, विल बी एडेड, वो वन जो है उसमें एड होगा. कैसे? देयरफॉर 26.34501 वो जो बनेगा, क्या बनेगा? 26.35. अब 3.34 था और वो 5 हो गया. इसी तरीके से 44.33567 वो था, वो ड्राप विल ड्राप होके जो बना 44.34 बना, मतलब 44.3356 था तो वो 44.34 बना. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी असाइनमेंट से मेक दी नोट्स ऑफ दिस टॉपिक एंड सॉल्व दी रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्हिच आर गिवन इन योर एक्सरसाइज. ओके, अल्लाह हाफिज़.